आज मैं बताने वाली हूँ आपको ऐसी रेसिपी जिसको सुनकर और बनाकर आपको बड़ा मजा आने वाला है। तो आज ये बटर चिकन की रेसिपी कानपुर स्टाइल मैं बताने वाली हूँ, ग्रेवी वाला बटर चिकन, जो कि आपको बहुत पसंद आने वाला है और रेस्टोरेंट्स में इसकी हाईली डिमांड है। ये बहुत ही महंगा मिलता है बाहर और पूरी फैमिली खा भी नहीं पाती और ये ख़त्म हो जाता है। तो आज ये सीक्रेट रेसिपी मैं आपको बताती हूँ, आप एक बार इसको बनाएंगे और इसको बार बार बनाने का मन करेगा। तो मैंने ये देखी थी रेस्टोरेंट में बनते हुए, तो मैंने सोचा चलिए ट्राई करते हैं, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ कमी रह जाती थी। लेकिन मैंने जब इसको देखा, फॉलो किया, तो ये बहुत ही आसान रेसिपी थी। बस कुछ चीज़ों का ख्याल रख लिया था और कुछ मसालों का, और ये बहुत आसान तरीके से बन जाती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। फ्रेश क्रीम डाल दें, थोड़ा सा बटर डाल दें और बस आपका बटर चिकन बन तैयार है। और इसको फॉलो करें स्टेप बाय स्टेप। वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन आपको बहुत मजा आने वाला है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग क्रश। तो आज सुबह सुबह यानी कि 11 बज रहा है इस टाइम पर, तो मैंने सोचा कि दोपहर का जो लंच होता है थोड़ा सा आज हैवी रहेगा, मेरे यहाँ मेहमान आने वाले हैं, तो मैंने सोचा कुछ अच्छा सा बनाते हैं। तो मैं बनाने वाली हूँ कानपुर का बहुत ही फेमस बटर चिकन ग्रेवी वाला, जो कि यहाँ पर बहुत ही पॉपुलर है और यहाँ जैसा कहीं भी नहीं मिलता है। तो मैंने सोचा कि चलो उसको आज रियल रेसिपी आपको देती हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और आपको यकीन नहीं होगा कि आपने जो चीज़ बाहर इतनी महंगी मिलती है वो आपने घर में बना ली है। तो इसके लिए मैंने ले लिए हैं 4 मीडियम साइज के टमाटर, 4 मीडियम साइज की प्याज, 4-5 हरी मिर्च, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 गाट लहसुन के और 1 बंच हरा धनिया। तो इन सारी चीजों को हम फ्लेम पर चढ़ाते हैं और इसमें डालते हैं थोड़ा सा पानी। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं, बाकी की चीजें भी इसी में डाल देंगे हम। ये बॉइल होना शुरू हो गया, चलिए इसमें हम अपने खड़े मसाले डालते हैं, बे लीव्स, सफेद जीरा, मोटी इलायची, 1 छोटा टुकड़ा जावित्री, 6 लौंग और ये कसूरी मेथी, 1 टीस्पून काली मिर्च, 8 से 10 हरी इलायची और 1 टुकड़ा जायफल का। और ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं इसमें। अब इसमें हम सॉस भी डाल देंगे, आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए लेट लगाते हैं, आपको शोर बहुत ज़्यादा सुनाई पड़ रहा होगा। टीचर डे पर छुट्टी थी क्योंकि दीपावली की छुट्टियाँ साथ में भूल गई थी, तो आज बच्चों ने सोचा कि आज टीचर डे पार्टी करें। सैटरडे हाफ प्लेइंग का डे होता है, तो इस वजह से बच्चों ने सोचा कि आज टीचर डे पार्टी कर ले, इसलिए शोर हो रहा है। आप लोग उसको इग्नोर करिए और यहाँ पर इंजॉय करिए। ये चलिए इसको पकने देते हैं, अब हम कर लेते हैं अपने चिकन की मैरिनेशन। सबसे पहले हम डालेंगे, ये मैंने 1 से 1.25 किलो चिकन है, ये हम डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट, हसबे जायका नमक, चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 चम्मच यानी कि 1 टीस्पून गरम मसाला डाल दिया है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें कलर ऐड कर देते हैं और इसको अच्छे से कर देते हैं मिक्स। आप चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं, आप चाहे तो स्पून से भी कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। इसको मिक्स करना बहुत ज़रूरी है और मिक्स करके हम इसको रख देंगे 1 घंटे के लिए फ्रीज में, ताकि ये अच्छे से मसालों को अपने अंदर जज्ब कर ले और इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छी से इन्हेंस हो जाए। वहाँ हमारी सारी वेजीज जो है वो गल के पानी सूख चुका है, उसको हम बंद कर देते हैं फ्लेम और मिलते हैं 1 घंटे के बाद। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, चलिए इसको अब लिड लगाकर फ्रिज में रख देते हैं। और ये भी अच्छे से सारे मसाले गल चुके हैं। इसमें ऐसे आपको कुछ भी नहीं हटाना, सबको ग्राइंड कर लेना है, अच्छे से ग्राइंड करना है, ताकि ये जब इसको हम छाने तो ये एक स्मूथ टेक्सचर लेकर आए। तो इसको हम प्रॉपर ठंडा होने देंगे। चलिए ये दोनों चीज़ें अपने अपने टाइम पर लगती हैं, हम बाकी की प्रिपरेशन कर लेते हैं क्योंकि मुझे बहुत सारा खाना बनाना है। जब तक ये रेस्ट करते हैं तब तक मैं और चीज़ें बना लेती हूँ, मिलती हूँ 1 घंटे के बाद जब ये प्रॉपर तरीके से ठंडा हो जाएगा। इसको हम मिक्सर ग्राइंड कर लेंगे और उसको हम ठंडा होके फ्राई कर लेंगे। तो हमारा 1 घंटा हो चुका है, चलिए हमने एक कढ़ाई रख ली है। तो अब डालते हैं इसमें बटर 1 टीस्पून और इसी बटर में हम डाल देते हैं अपना मैरिनेटेड चिकन। इसको हम कलर आने तक ऐसे ही
छोड़ देंगे। एक चम्मच हमें ऊपर से भी बटर डाल देना है ताकि ये अच्छे से भुन जाए। ये देखिए जिस तरह से इसमें कलर आ रहे हैं, इसी तरह से आपको इसमें कलर लाना है। और ऐसे ही लिड लगा के इसको हम पकने देंगे स्लो फ्लेम पर। देखिए चिकन जो है अच्छे से इसमें कलर आ रहा है, उसने पानी छोड़ दिया था, तो इसको हम अच्छे से बिल्कुल सुखा लेंगे। आप चाहें तो इसे फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई। लेकिन डीप फ्राई से क्या होता है कि चिकन की जो ऊपरी लेयर होती है वो टाइट हो जाती है, तो आप ध्यान रखें कि आपको इसको फ्राई नहीं करना है, आपको इसको इस तरह से बस रोस्ट सॉटे करना है। ऐसे ही आप करते रहेंगे तो इसमें बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा, जैसा कि मेरे इसमें आया है। अब इसको हम एक प्लेट में पलट लेते हैं। तो अब हम इसमें डालते हैं रिफाइंड ऑयल, और जितना हमने इसमें रिफाइंड ऑयल डाला है इतना ही बटर डालना है, लेकिन थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। जैसे कि अभी हम इसमें एक चम्मच डाल लेंगे, और जैसे जैसे ये पकता जाएगा तो हम इसकी क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे। तो अब हम इसमें डाल देते हैं एक दालचीनी का टुकड़ा, और जो मसाला हमने पीस कर रखा था उसे छान लिया था, उसमें मैंने कलर ऐड कर दिया है, और इन सब चीज़ों को अब हम अच्छे से पका लेंगे। तो अब बस इसको चलाते हुए हमें भून लेना है। मसालों का भुनना बहुत ज़रूरी है, हालांकि एक बार पक चुके हैं लेकिन आप मसालों को ज़रूर भूनें, और मेरी वीडियो को आप ज़रूर पसंद करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आप बाहर से बटर चिकन लेना तो बंद कर देंगे, ये मेरी गारंटी है। आप इस मेथड से बनाएंगे ना, आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, और शेयर करना तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जैसी रेसिपी हर कोई बना सके। और अब धीरे धीरे हम इसके मसाले डालना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डालते हैं हसबे ज़ायका नमक। तो इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ करेंगे, रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसको डालकर इसमें पका लेते हैं, तो ये अच्छे से बॉईल हो जाता है। इसको हम 5 मिनट के लिए ऐसे ही बंद कर देंगे। तो इसको बॉईल होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, और ये देखिए ये अच्छे से पक भी गई है। अब हम इसमें ऐड करते हैं अपना चिकन, जो हमने इसको तल के रखा था अच्छे से, और ऐड कर देंगे इसमें हम बटर, और इसको हम चलाते हुए पका लेंगे, मिक्स कर लेंगे। तो अब हम ऐड करेंगे इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जिसके वजह से ये पूरा टेस्ट आता है। सारे मसालों का भी इसमें बहुत योगदान होता है, लेकिन जो मार्केट में हमारे बटर चिकन मिलता है ग्रेवी वाला, उसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट पड़ा होता है, इन सारे मसालों के बाद पड़ा होता है, जो है कि किचन किंग मसाला। बहुत ही इंपॉर्टेंट रेसिपी है। जब मैं खुद लेने गई तो मैंने देखा कि आखिर वो टेस्ट कैसे आता है जिससे ये सब इतना ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। तो जब मैंने देखा कि उन्होंने देगी मिर्च का और किचन किंग मसाले का इस्तेमाल किया है, और बाकी मसाले उनके पास रेडी रखे रहते हैं, वो पीस कर रख लेते हैं, तो मुझे समझ में आया कि आखिर ये राज है। फिर मैंने उसे घर पे ट्राई किया तो समझ में आया, अरे वाह, यही वो राज है जो अभी तक सारे बाहर वाले रेस्टोरेंट वाले छुपा रहे थे और मैंने पकड़ लिया है। तो ये पकड़ी हुई रेसिपी आपके लिए है, और आप लोग इसको बहुत इंजॉय करके बनाना। अब हम इसमें ऐड करते हैं फ्रेश क्रीम, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आना शुरू हो गई है, ये देखिए। और मैंने एक कोयला जलाने के लिए रख दिया है। आपको एक चीज़ और बताना, जो बाहर बटर चिकन बनता है रेस्टोरेंट्स में, तो वो क्या करते हैं, मसाला लगा के तंदूर में रोस्ट कर लेते हैं। तो हमने तंदूर में रोस्ट नहीं किया, हमने इसको फ्राई किया था, वो भी शैलो फ्राई। तो उसके आपको जब तंदूर वाला टेस्ट लाना हो ना, तो आप एक अंगारा जला लें आग पर, इसको अच्छे से खूब अच्छे से जला लें, और फिर बताती हूँ कि मुझे क्या करना है। मैंने भी रख दिया है जलने के लिए, क्योंकि अब बस ऑलमोस्ट डन है, बनकर तैयार हो जाएगी और आप इंजॉय कर लीजिएगा। चलिए अब इसमें हम डालते हैं अपना धनिया पत्ती, और फ्लेम को कर दिया है बंद, और इसमें बटर हम डाल देते हैं, और 5 मिनट के लिए इसको ऐसे बंद रखते हैं। तो इसको रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं। ये मैं फॉइल लाई हूँ, ये 4 फोल्ड कर दिया मैंने, इसको इस तरह से हम मोड़ते जाएंगे, तो एक ये बोल का शेप ले लेगा इस तरह से। आपको कौन सा इसमें सर्विंग करनी है, आप बस इस तरह से इसको मोड़ दें, और इसको रख दें इसके अंदर, इस तरह से रख दें। अब मैं लाती हूँ अपना गरम गरम कोयला, और इस बोल में इस कोयले को रख देंगे, और इसी में हम थोड़ा सा बटर डाल देंगे, और बटर डालते ही हमें इसका लिड को बंद कर देना है। ये देखिए, आपको एक टिप्स देना चाहती हूँ मैं, ये 5 मिनट आप ऐसे ही बंद रखें इसको, इसकी टिप्स अलग है। और मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जो मसाले हमने स्टार्टिंग में बॉईल किए थे, आप उसे रोस्ट थोड़ा सा बटर डालकर भी उसको बना सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि जब आप उस मसालों को अच्छे से बॉईल कर लें,
और उसको अगर आप ठंडा नहीं करेंगे, ऐसे ही मिक्सर में पीस लेंगे, तो उससे ये होगा कि एक तो वो गैस इवेपोरेट करेगा, तो जैसे ही आप खोलेंगे तो पूरा जो आपका गरम गरम मसाला होगा वो आपके ऊपर चला जाए, जलने के चांसेस रहेंगे। और दूसरा टिप ये है कि आपका जो मिक्सर ग्राइंडर का जार होगा वो खराब हो जाएगा एक दो बार चलने के बाद ही, क्योंकि गरम गरम मसाला नहीं पीसना चाहिए। अंदर की जो ग्रिप होती है, जो उसमें इलास्टिक लगी होती है जिससे पूरा मैनुअल उसका टिका रहता है जार का, वो जार अगर आप गरम गरम मसाले में यूज मसाला उसमें डालकर पीसेंगे तो वो जार खराब हो जाएगा। तो आप इस बात का, दो बातों का जरूर ध्यान रखें कि आप मसाला जो है बिल्कुल ठंडा करके रखें, और जब आप ये कोयला आपने रखा है इसको 5 मिनट सिर्फ आपको रखना है, 5 मिनट से ज्यादा बिल्कुल नहीं रखना, नहीं तो ये टेस्ट कड़वा जाएगा। तो ये अच्छे से ठंडा हो चुका है और इसका कोयला हम निकाल देते हैं बाहर ऐसे ही फॉइल के साथ, और हमारा बटर चिकन बहुत ही लाजवाब वाला तैयार हो चुका है। अब आप ये रेसिपी इंजॉय करें और मुझे दुआओं में याद रखें कि मैंने ऐसी रेसिपी आपको दी जो आप बाहर से खाना पसंद करते थे और मैंने आपको घर पर बना कर दी है। मैं तैयारियों में लगी हूँ इसलिए जल्दी जल्दी आपसे विदा लेती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़। दुआ में याद रखना।